आप बना बना के थक जाओ लेकिन आइटम आपको ख़त्म नहीं होगा। तो ये बिजनेस में भी अच्छा खासा कमाई है और आपको बजट भी कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बजट का आपको ज़रूरत नहीं है। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी को पता है मेरा इस चैनल में सिर्फ ही सिर्फ बेकारी रिलेटिव बेकारी बिजनेस का वीडियो अपलोड होता है, लेकिन आज मैं ऐसा एक बिजनेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में जो पांच फूड आइटम का जो बिजनेस होता है, पांच फूड आइटम का बिजनेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कम बजट में कम इन्वेस्ट करके आप कर पाओगे। क्योंकि बेकारी बिजनेस बहुत सारे लोग नहीं कर पाता क्योंकि उनका पास अच्छा फंड अच्छा बजट नहीं होता, इसलिए क्योंकि बेकारी बिजनेस करने के लिए आपको एक अच्छा बजट का भी ज़रूरत होता है। इंडिया में ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिसके पास पैसा नहीं होता, पैसा का कमी होने का कारण में वो बिजनेस नहीं कर पाता और अपना परिवार अपना फैमिली छोड़ के अपना घर छोड़ के बाहर भी वो कमाने के लिए नहीं जा पाता। तो वही लोगों के लिए मैं आज ऐसा पांच बिजनेस का बारे में मैं बात करूंगा जहां पे आपको घर बैठ के ये पांचों बिजनेस आप कर पाओगे और कम बजट लगाने में। क्योंकि ये जो पांच बिजनेस के बारे में जो मैं बात करूंगा, पांच बिजनेस आइडिया जो मैं आपको दूंगा, इसमें आपको बहुत ही कम पैसा लगाना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो बिजनेस के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये ना कोई हवाबाजी बात है ना ये कोई फालतू बात है, ये पांचों बिजनेस जो मैं आपको बताऊंगा तब आपको पता होगा कि ये पांचों बिजनेस कितना सक्सेस बिजनेस है और कितना मार्केट में ज़बरदस्त ये चलता है। ये मतलब गांव से लेके शहर में हर जगह में ये बिजनेस चलता है। तो पहले जो मैं आपको बताऊँगा ये पांचों बिजनेस का सिर्फ आइडिया आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कौन सा बिजनेस में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, क्या प्रॉफिट है और बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी मशीन आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट नंबर में जो होता है हमारा नमकीन बिजनेस। नमकीन का जो बिजनेस है, नमकीन किस तरह इंडिया में चलता है ये तो सभी को पता है। हर घर में नमकीन का ज़रूरत है, हर आदमी नमकीन पसंद करता है। तब नमकीन में आइटम बहुत है, आप बना बना के थक जाओगे लेकिन फिर भी आपका आइटम ख़त्म नहीं होगा। और इसमें ये जो बिजनेस नमकीन का जो बिजनेस है, इसमें आपको ज़्यादा मशीन का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं है और इनको आप ज़्यादा मार्केटिंग करने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नमकीन आपको थोड़ा बहुत टेस्टी होगा, थोड़ा क्वालिटी अच्छा होगा तो ऐसा ही आपको नमकीन बिक जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कम इन्वेस्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। इनका ज़्यादा मशीन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये इसलिए मैंने एक नंबर में रखा क्योंकि नमकीन आप चाय का दुकान से लेके मोदी का दुकान से लेके शॉपिंग मॉल हर जगह में नमकीन बिकता है और नमकीन आपको मिल भी जाएगा। इसलिए भारत में ऐसा कोई राज्य ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पे आप जाके नमकीन आपको नहीं मिलेगा। और नमकीन का प्लांट आपका छोटा सा लेके बड़ा बड़ा भी प्लांट है, आपको करोड़ का 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ का भी प्लांट है और आपका 20,000 का भी प्लांट है। वो तो आपका ऊपर डिपेंड करता है जो आप कितना रुपया लेके आप ये काम स्टार्ट करोगे। तो दूसरा नंबर में जो हमारा आता है अचार का बिजनेस। अचार हमारा हर घर में रोटी का साथ चावल का साथ अचार का ज़रूरत पड़ता है। इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं है जो अचार नहीं इस्तेमाल करता। और पहले अचार का बिजनेस गांव से स्टार्ट हुआ था, आज गांव शहर हर जगह में अचार का बिजनेस फैल चुका है और ये एक अच्छा सक्सेस बिजनेस है। और अचार का बिजनेस हमारा इंडिया का साथ साथ हमारा इंडिया का बाहर भी कम से कम 50 का ऊपर देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे इंडिया से।
तो अचार का बिजनेस में भी आपको ज़्यादा मशीन का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना का भी ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसा लगा के एक अच्छा खासा घर बैठ के कमा सकते हो। और तीसरा नंबर जो है ये है लड्डू। लड्डू तो आपको पता है, बेसन का लड्डू मिल जाता है, बूंदी का लड्डू मिल जाता है, कोकोनट का लड्डू मिल जाता है, बहुत सारे आइटम का लड्डू बनता है। और लड्डू एक ऐसा चीज़ है, आपको मोदी का दुकान में भी मिलेगा, चाय का दुकान में भी मिलेगा, मिठाई का दुकान में भी मिलेगा, और आपको शॉपिंग मॉल का भी मिलेगा। तो लड्डू का जो बिजनेस है, ये बिजनेस करने के लिए आपको ज़्यादा मशीन का ज़रूरत नहीं है। इस मशीन खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा। और ये बिजनेस करने के लिए आपको ज़्यादा जगह का भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा का भी ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसा में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इनका मार्केट कैसा है आप सभी को पता है, क्योंकि ऐसा कोई राज्य, ऐसा कोई मतलब जिला, ऐसा कोई गांव नहीं है जो लड्डू आपको नहीं मिलेगा। हर दुकान में आपको मिलेगा, हर घर में आपको मिलेगा। और लड्डू खाने का सबको अच्छा लगता है, चाहे बेसन का हो, चाहे बूंदी का हो, चाहे कोकोनट का हो, मतलब ऐसा बहुत सारे आइटम होता है। ये जो पांचों बिजनेस का बारे में जो आपको साथ में बात करूँगा, इस पांचों बिजनेस में से एक दो आइटम नहीं है, ये बहुत सारे आइटम होता है। आप बना बना के थक जाओ लेकिन आइटम आपको ख़त्म नहीं होगा। तो ये बिजनेस में भी अच्छा खासा कमाई है और आपको बजट भी कम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बजट का आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वाला बिजनेस भी कर सकते हो, आपको नमकीन बिजनेस भी कर सकते हो, अचार बिजनेस भी कर सकते हो। आप सोच के थोड़ा देख लेना कि कौन सा बिजनेस आपके लिए सही है और कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो। और हमारा चौथा नंबर में जो आता है सोन पापड़ी। आप सभी को तो पता है सोन पापड़ी खाने में कितना टेस्ट है। हल्दीराम का जैसा कंपनी जो है नमकीन भी बनाता है, सोन पापड़ी भी बनाता है। सोन पापड़ी बड़ा बड़ा ब्रांड भी बनाता है, छोटा छोटा फैक्ट्री भी बनाता है। आप बेकरी बिजनेस कर रहा है तो बेकरी बिजनेस का साथ साथ आप उनका साथ, आपका पास बजट हो, नमकीन का भी बिजनेस कर सकते हो, आप सोन पापड़ी का बिजनेस भी कर सकते हो। ये आपको सिर्फ माल में दम है, आपको क्वालिटी अच्छा है, तो आप ज़रूर ये बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। शुरू शुरू में आपको एक दो महीने थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन वो तो हर बिजनेस में होता है। जब आपको लोग जान जाएगा, जब आपका प्रोडक्ट लोग जान जाएगा, जब आपका प्रोडक्ट को लोगों को खाने में टेस्ट आएगा, तो आपका प्रोडक्ट का ऊपर लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और जो पांचों जो हमारा जो है, वो जो गुड़ का जो चिक्की होता है, जो गुड़ बादाम जो होता है, जो टिक्की गुड़ बादाम, तो आपको सब देखा है, बहुत सारे लोग खाए हैं। ठंडा का मौसम में जो गुड़ बादाम जो होता है, जो गुड़ बादाम का जो चिक्की होता है, बहुत ही ज़बरदस्त चलता है। ये भी बड़ा बड़ा दुकान में, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल में, मोदी का दुकान में, चाय का दुकान में, हर दुकान में मिल जाता है। और ये सिर्फ मूँगफली बादाम का नहीं होता, ये तिल का भी होता है, चना का भी होता है, मुरमुरा का भी होता है, बहुत सारे चीज़ों को मतलब गुड़ का साथ मिला के उनको जो टिक्की बनाया जाता है, उनको जो लड्डू बनाया जाता है, ये आप घर में बैठ के ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करके एक अच्छा खासा आप मुनाफा हर महीने में कमा सकते हो। क्योंकि ये जो पांचों बिजनेस का बारे में जो आपको मैं बताया इस वीडियो में, तो ये पांचों बिजनेस का एक एक करके मैं अलग अलग डिटेल्स वीडियो बना के मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। आप लोग तसल्ली में देख लेना, और आपको देखने के बाद समझ में भी आएगा कि हाँ, ये बिजनेस आपको करना चाहिए कि नहीं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पैसा का कमी होने की वजह से जो बिजनेस नहीं कर पाता, और उनको दिमाग में भी ये भी आता है कि मैं क्या करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ, वो अपना आप खुद डिसाइड नहीं कर पाता। इसलिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ। आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा, आप सोच लेना जो आपको कौन सा बिजनेस करना है और कौन सा बिजनेस आपको नहीं करना है।
तो आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ ख़त्म। ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह बेकारी रिलेटिव, बेकारी बिजनेस, न्यू बिजनेस पाने के लिए आप चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफिज़।